कोरोना वायरस की महामारी के चलते कई कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुमरा में भी आमदार व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने ये सारी चीज़ों की सुविधा कराते हुए उद्घाटन किया है। आज यानी 1 जून को मुमरा के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में उद्घाटन करते जितेंद्र आव्हाड नज़र आए। स्टेडियम में 1000 बेड की सुविधा की गई है। कोरोना के चलते 500 ऑक्सीजन बेड्स को तैयार किया गया है और 100 बेड आईसीयू के लिए तैयार किया गया है। इसी तरह कलवा खारेगांव भूमिपुत्र मैदान में भी उद्घाटन किया गया है। कोरोना के चलते यहां पर भी 450 बेड की सुविधा की गई है जिसमें से 100 बेड ऑक्सीजन के लिए और 50 बेड आईसीयू यूनिट के लिए तैयार किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई के कांदिवली इलाके में जैन मंदिर को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है। पवन धाम जैन मंदिर अब शहर का कोविड सेंटर बन गया है। इस मंदिर में हॉल का इस्तेमाल 75 बेड के कोविड सेंटर के तौर पर किया जा रहा है। हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा 25 मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगे। तो इस सेंटर में मरीज को बेड का किराया हर दिन 1000 रुपये देना होगा। मरीजों की इस फीस से डॉक्टरों की फीस, खाना और दवाइयों का खर्चा निकाला जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।